दोस्तों, अगर किसी मर्द को ऐसा लगता है कि उसे किसी महिला के बारे में सब कुछ पता है तो ये उसकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो महिलाएं किसी को नहीं बताती। ज्यादातर मर्दों को महिलाओं के बारे में उतना ही पता होता है जितना वो देखते या सुनते हैं। उन्हें औरतों के रहस्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। महिलाओं के संदर्भ में एक बात हमेशा कही जाती है कि वे रहस्यमय होती हैं। उनके दिलों में कई ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें वो किसी से शेयर नहीं करती। अगर किसी मर्द को ऐसा लगता है कि उसे किसी महिला के बारे में सब कुछ पता है तो ये उसकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो महिलाएं किसी को नहीं बताती। इस बात के कई वैज्ञानिक आधार भी हैं। ऐसे में कई ऐसी बातें होंगी जो आपको महिलाओं के बारे में नहीं मालूम होंगी, या ऐसी 7 बातों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल से हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, आमतौर पर औरतों को औरतों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि एक औरत दूसरी औरत को प्यार भी करती है। औरतों को किसी स्टाइलिश महिला को देखना बहुत पसंद होता है। कई बार ये पसंद क्रश का रूप भी ले लेता है। हाल में ही हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि महिलाएं अपने पूर्व प्रेमी को घूरती हैं, हाँ, लेकिन प्यार के चलते नहीं। उन्हें ये देखने में बहुत दिलचस्पी होती है कि उनका एक्स किसके साथ है, उसके साथ वाली लड़की देखने में कैसी है और उसके रहन सहन में क्या बदलाव है। शायद ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि महिलाएं भी एडल्ट फिल्में देखती हैं, हालांकि वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। मर्दों की तरह अकेले होने पर या फिर कोई काम ना होने पर उन्हें अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। अकेले होने पर महिलाएं वो सब कुछ करना पसंद करती हैं जो वो किसी के होते हुए नहीं कर पाती। कई बार ये चीज़ें बड़ी ही अजीबोगरीब होती हैं, मसलन शीशे के सामने बिकनी पहनकर नाचना या फिर तरह तरह के पोज बनाकर तस्वीर लेना। कई ऐसी औरतें जो जल्दी माँ नहीं बनना चाहती हैं, उन्हें अपने महिला होने का दुख होता है। इस बात को लेकर उन्हें अपने पार्टनर से ही ईर्ष्या होती है। केवल प्रेगनेंसी की बात नहीं, बल्कि उन्हें ये भी लगता है कि पीरियड्स के दर्द से केवल वो ही क्यों गुजरती हैं। वो चाहती हैं कि उनके पति भी ये दर्द महसूस करें। महिलाओं को हमेशा लगता है कि उनका पार्टनर कुछ ना कुछ उनसे छिपाता जरूर है। इस कुछ को जानने के लिए वो हमेशा बहुत उत्सुक रहती हैं। साथ ही दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं की पहचान कैसे होती है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें देखकर आप महिला के चरित्र के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस ज्ञान को और आचार्य जी के विचारों को पूरा जरूर सुने। अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दोस्तों, अगर किसी स्त्री का स्वभाव ही गुस्से वाला है तो ऐसी औरतों के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो मर्दों को कभी भी धोखा दे सकती हैं। किसी स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा है और बाहर निकला हुआ है और नसें काफ़ी बाहर हैं। ऐसी औरतें भी अशुभ मानी जाती हैं। इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर किसी स्त्री का पेट घड़े के आकार का है तो ऐसी औरतें उम्र भर गरीबी और दरिद्रता में जीवन यापन करती हैं। और जिस महिला का पेट गद्देदार और लंबा है तो इस तरह की औरतें अशुभ मानी जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो महिला बहुत अधिक गुस्सा और लड़ाई झगड़ा करती है तो ऐसी स्त्री के चरित्र पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। यदि महिला के दांत मोटे और चौड़े हैं तथा वह मुंह से बाहर निकलते हुए दिखते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा रहेगा। यही नहीं, मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। अगर महिला के हाथ की हथेलियां चपटी हों तो वे हमेशा सुख और धन से
वंचित रहती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहे।